नमस्कार साथियों, मैं महेश कुमार आपका एमटी क्लासेज एसडी हब पर स्वागत करता हूं। आज दोस्तों मैं आपके लिए 10 मई का करंट अफेयर्स लेके आया हूं, जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखेंगे। पहला स्टेप है इसका राष्ट्रीय समाचार। रक्षा मंत्री ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग के किया उद्घाटन। मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड में बनाई गई 80 किलोमीटर लंबी नई सड़क का उद्घाटन किया, जो नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ द एक्चुअल कंट्रोल के करीब लिपू लेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नया मार्ग खोलती है। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने धारचूला उत्तराखंड से लिपू लेख चीन सीमा तक कैलाश मानसरोवर यात्रा के रूप इस सड़क का बनाने का कार्य पूरा किया। अगर मैं परीक्षा की दृष्टि से देखूं तो दो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली। और रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीपाद यशो नाइक जी हैं, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे देखेंगे, राष्ट्र समाचार से देखेंगे। यूपी सरकार ने लॉन्च की प्रवासी राहत मित्र ऐप। प्रवासी राहत मित्र ऐप जो है लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासियों को राहत देने और सरकारी योजनाओं और नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने के लिए प्रवासी राहत मित्र नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को प्रवासियों के स्वास्थ्य पर नज़र रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के सहयोग से मिलकर विकसित किया गया है। और इसके अलावा यह ऐप उन्हें सरकारी योजनाओं से भी जोड़ेगी और कौशल के अनुसार नौकरी सर्च में मदद करने के लिए डेटा एकत्र करेगी। अगर इसको हम देखें परीक्षा की दृष्टि से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो आपको पता ही होगा योगी आदित्यनाथ यहाँ के CM हैं और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला है, झारखंड सरकार ने राज्य में पान मसाला को 1 साल के लिए बैन कर दिया है। तीसरा पॉइंट है, झारखंड सरकार ने राज्य में जो है पान मसाला को 1 साल के बैन कर दिया है। तो 11 ब्रांडों पर ये अपना 1 साल का प्रतिबंध लगाया है, फैसला लिया है। और इस आदेश को राज्य में खाद्य सुरक्षा आयुक्त नितिन कुलकर्णी द्वारा पारित किया गया। और राज्य सरकार ने 19 और 20 के दौरान परीक्षण और विश्लेषण करने के लिए विभिन्न जिलों के विभिन्न ब्रांडों से संबंधित पान मसाला के 41 नमूने एकत्र किए हैं। तो देख लेंगे यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं। रांची जो है झारखंड की राजधानी है, रांची झारखंड की राजधानी है। और राज्य का जो गठन है 15 नवंबर 2000 को हुआ था, ठीक है, 15 नवंबर 2000 में हुआ था इसका झारखंड का गठन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट क्या है, टाइफेड ने एवेलको के साथ जनजातीय उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए MOU पर किए हस्ताक्षर। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत ट्राइवल को ऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने और आर्ट ऑफ लिविंग AOL ने जनजातीय उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक संगठन के विशिष्ट कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। और इसका जो मेन पॉइंट है, जनजातीय मामलों के मंत्री जो हैं वो अर्जुन मुंडा हैं, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट क्या है इसका, जनजातीय मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है? रेणुका सिंह सुरता जी। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक कौन थे? श्री श्री रविशंकर। आर्ट ऑफ लिविंग का स्थापना कब हुई? 1981 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? बंगलुरु कर्नाटक में है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पॉइंट 5 देखेंगे यहाँ पे। ICMR ने COVID-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए भारतीय डाक के साथ किया समझौता, ये भी बहुत बड़ा समझौता है, ठीक है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद इंडियन काउंसिल ऑफ द मेडिकल रिसर्च ICMR ने भारतीय कोरोना वायरस COVID-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए भारतीय डाक सेवा के साथ करार किया है, ओके। ये किट ICMR के 16 क्षेत्रीय डिपो से देश भर में कोरोना टेस्टिंग के लिए चुनी जाएगी, ठीक है। अतिरिक्त 200 प्रयोगशालाओं में पहुंचाई जाएगी। और अगर एग्ज़ाम के पॉइंट से देखा जाए तो जो आपका ICMR के जो निदेशक हैं वो कौन हैं? बलराम भार्गव जी। ICMR का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली है। भारतीय डाक की स्थापना 1 अप्रैल
1 अप्रैल 1854 ईस्वी में किया गया था। भारतीय डाक का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? नई दिल्ली है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और इसके जो महानिदेशक हैं वो भी महत्वपूर्ण हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है, रक्षा मंत्रालय ने 37 एयरफील्ड के आधुनिकीकरण के लिए टाटा पावर के साथ किया समझौता। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के 37 हवाई अड्डों एयरफील्ड्स की बुनियादी ढांचे के लिए आधुनिकीकरण के लिए टाटा पावर सेट के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस परियोजना की कुल लागत जो है 1200 करोड़ रुपए का अनुमान माना जा रहा है। तो अगर इसकी हम देखें, रक्षा मंत्री जो हैं आपके वो राजनाथ सिंह हैं और टाटा पावर सेट का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला पॉइंट क्या है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो नटराजन चंद्रशेखर। भारत ने रूस के साथ कोकिंग कोल के लिए किया समझौता। ये भी पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, भारत ने रूस के साथ कोकिंग कोल के लिए किया समझौता, ये भी पॉइंट आपका इम्पॉर्टेंट है। कोल इंडिया ने रूसी सुदूर पूर्व और शेष आर्कटिक क्षेत्र में कोकिंग कोल के क्षेत्र के लिए दो रूसी संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है और पहला MOU रूस के फार ईस्टर्न एजेंसी फार अंडरटेकिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड द स्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स संस्था के साथ हस्ताक्षर किया, और जबकि दूसरा MOU रूस के फाउंडेशन के ईस्टर्न माइनिंग कंपनी के साथ रूसी सुदूर पूर्व खनन क्षेत्र परस्पर निर्भर निवेश के अवसर की खोज पहचान स्रोत बातचीत और उपभोग के हस्ताक्षर किए थे। इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोल इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है, तो कोलकाता है और कोल इंडिया के CEO जो हैं वो अनिल कुमार झा हैं। ओके चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्या है, AIIB भारत की COVID-19 आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए देगा $500 मिलियन का ऋण। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत को COVID-19 आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए $500 मिलियन ऋण देने की मंजूरी दी है। भारत को इस वित्तीय सहायता से COVID-19 को सीमित करने के प्रयास को बढ़ावा में मदद मिलने के साथ साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए अपनी प्रतिक्रिया क्षमता व्यापक बनाने और भविष्य में महामारी की चुनौती से निपटने की तैयारी में सुधार भी होगा। तो AIIB का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है, वो है बीजिंग। कहाँ पे है? बीजिंग में है। अगला पॉइंट इसका देखेंगे, इस सदस्यता इसमें कुल कितने सदस्य हैं, इसमें कुल टोटल 78 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 78 सदस्य हैं और इसके जो अध्यक्ष हैं जिन ल्यूकुन जी हैं। ओके चलिए अगला पॉइंट देखेंगे, मूडीज ने वित्त वर्ष 21 में भारत की GDP ग्रोथ को घटाकर किया शून्य। मूडीज ने चालू वित्त वर्ष यानी साल 2020-21 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP की ग्रोथ को अपने पिछले अनुमान 2.6% से घटाकर शून्य कर दिया है। साथ ही वित्त वर्ष 2021 और 22 में भारत की GDP वृद्धि दर उभर कर 6.6% तक वापस आने का अनुमान भी जारी किया है। राजकोषीय मैट्रिक्स के कमजोर पड़ने से मंदी आने की संभावना है जिससे भारत में निवेश प्रवाह प्रभावित होगा। एग्जाम व्यू के पॉइंट से है, अगर एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो मूडीज का मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क अमेरिका, और मूडीज के अध्यक्ष और CEO कौन है, रेमंड W मैकडेनियल जूनियर। तो महत्वपूर्ण दिन देख लेंगे, अगला पॉइंट है, 9 मई को प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया गया। हर साल 9 मई को दुनिया भर में वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे यानी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य जो है प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण के लिए जरूरी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व के बारे में देश को जागरूक करना। इस बार विश्व प्रवासी पक्षी 2020 का जो विषय था वो था वर्ड्स कनेक्ट और वर्ड, ये आपका विषय है। और थोड़ा निधन देख लेंगे, KFH टूर्नामेंट को शुरू करने वाले पंडाडा कुटप्पा का निधन हो गया। और इसमें आप देखेंगे इसका जो मेन पॉइंट है, कुडावा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट में संस्थापक
पंडोडा कुटप्पा का निधन। कुटप्पा ने 1997 में ओलंपिक खेलों की तर्ज पर अपना पहला टूर्नामेंट आयोजित किया था जो अब तक जारी है 1997। और वह भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व कर्मचारी और प्रथम श्रेणी के पूर्व हॉकी रेफरी थे। और 2015 में इनका जो है राज्योत्सव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कुमार संकारा एमसीसी अध्यक्ष का दूसरा कार्यकाल संभालने वाले की सूची में हुए शामिल। श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संकारा मेलबर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी के अध्यक्ष के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने के लिए तैयार हैं। वह पिछले साल 1 अक्टूबर को पदभार संभालने के बाद क्लब के पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष बने थे और इसके बाद भी ही अब ये संगारा उन लोगों की सूची में शामिल होने जा रहे हैं जिन्होंने कई कार्यकाल पूरा किए हैं। तो अगर एग्जाम के पॉइंट से देखा जाए, मेलबर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी स्थापित कब हुआ था 1787 में और इसका जो मुख्यालय है उसका लंदन यूनाइटेड किंगडम। ओके, चलिए। पुणे राष्ट्र में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती। समूचे राष्ट्र में 9 मई को राणा प्रताप की 480 जयंती मनाई गई। उनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में हुआ था। हर साल 9 मई को बहादुर राजा के सम्मान महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये अंतिम पॉइंट था। और वीडियो कैसे लगी लाइक कीजिएगा और अपने सभी साथियों में शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा, घर पर रहिएगा। हैव ए नाइस डे।